एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप यू आर डूइंग वेल। और आपने अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से दे दिया होगा फर्स्ट ईयर में। अगर आपका फर्स्ट ईयर में हो गया तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या दिया है सेकेंड ईयर का। तो देखिए, इसमें तीन कोर्सेज हैं आपको जो कॉमनली सबको पढ़ने होते हैं। आप आइधर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। तो पहला जो कोर्स है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, ये आपको पढ़ने होंगे तीन चीज़ें। तो देखिए, इसको 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है वो। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है वो है नेचर, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एजुकेशनल प्रशासन बोल सकते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइप क्या है, ये सारी थ्योरीज आप पढ़ेंगे। सेकंड में है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी क्या क्या है, रोल क्या है, ये सेकंड है। और फिर थर्ड में है कि स्टेट, आप सेंट्रल को पढ़ें, अब नेक्स्ट आप स्टेट को पढ़ेंगे उससे नीचे। उसके बाद पढ़ेंगे कि दोनों को मैनेज कैसे करें, यानी मीनिंग है नेचर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब इसमें आप प्रिंसिपल के बारे में, टीचर का रोल क्या होता है, हेडमास्टर का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चार यूनिट्स आपको बताएंगे कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं। अब ये फिफ्थ जो यूनिट है वो है एजुकेशनल, माफ करिएगा, एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी एनवायरमेंट क्या क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मीनिंग स्कोप नेचर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट एकदम लास्ट है वो है हेल्थ एजुकेशन, यानी बच्चों को हाइजीन के बारे में और बेसिक हेल्थ, फिजिकल, योगा, डाइट, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, सोसाइटी में क्या रोल है हेल्थ का, ये सारी चीज़ें आप इन्हें समझाएंगे। तो ये तो बात हो गई कोर्स फर्स्ट की, बात करेंगे कोर्स सेकंड। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, बहुत आपने पढ़ा होगा एक्शन रिसर्च के बारे में बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं घुमा फिरा के, इसमें थोड़ा सा इवॉल्व कर दिए हैं। इसमें देखेंगे पहला जो है वो है पर्सपेक्टिव इन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी क्या क्या पर्सपेक्टिव है असेसमेंट। जैसे आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सम्मेटिव होता है, और इवोल्यूशन यानी कि जांच करना या फिर आपको पता करना। इवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आप क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो इसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी CCE पैटर्न के बारे में पढ़ना, नीड, कॉन्सेप्ट, पर्पस, स्कोप, एट्रीब्यूट, नेचर। यूनिट जो सेकंड है, आज दिवाली है, यूनिट जो सेकंड है वो टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट लर्निंग, यानी कि टूल एंड टेक्निक्स आप पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है वो फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का फंडामेंटल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है डेटा क्या होता है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है यूनिट फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च होता क्या है, डिफिनीशन क्या है, एक्शन रिसर्च की लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ, कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, यानी कैसे आप एक्शन रिसर्च को कैसे परफॉर्म करोगे, ये सारी चीज़ें वही हैं, बस डिटेल में दी हुई हैं। उसमें थी 5 यूनिट्स। अब हम देखेंगे कोर्स थर्ड जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन क्या है। तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे इस्लामिक, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट का पढ़ चुके हैं और वैदिक पीरियड का पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें एवोल्यूशन क्या है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी ऐड कर दिया गया है। पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, यानी कि पहले, यानी कि वैदिक टाइम पे, जैसे बुद्धिस्ट इस्लामिक एरा में किस तरीके से थी। उसके बाद सेकंड में है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, यानी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से चार्टर्ड एक्ट, और फिर ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि जैसे अंग्रेजों ने क्या क्या चेंजेस लाए थे एजुकेशन में, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, और फिर वर्धा स्कीम, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, वुड्स डिस्पैच और मार्ली मिंटो, उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1830। एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट एरा, इंडिपेंडेंट एरा में किस तरीके से एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है। फिर फोर्थ है क्रूशियल इशूज ऑफ एजुकेशन क्या है। फिर उसके बाद फिफ्थ है एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन 21st सेंचुरी। फिर है एजुकेशन इन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एनसीईआरटी कैसे फॉर्म हुआ, डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू, ये सारी चीज़ें आप पढ़ी, यानी थर्ड जो पेपर है यानी कोर्स थर्ड जो है वो आप लगभग पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बाकी फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला थोड़ा बहुत न्यू है वो आपको पढ़ना होगा। एंड होप यू आर डूइंग वेल और आपको अच्छा लगा होगा।